आ जाओ भाई, आ जाओ आ जाओ। क्या दिक्कत है बताओ? हैं? वो तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन गाड़ी में बताऊंगा कैसे लगानी। तुम ये बताओ दिक्कत क्या है इसमें? अच्छा ये, हाँ ये तो बुश कट रहे, ये तो घोड़ा तो निकाल लियो। हाँ BS6 भारत में 55-28 10 चक्का घोड़ा है दोस्तों। अभी आपको इसकी हालत दिखाता हूँ, देखिए दोस्तों। भारत में 55-28 एक बार फिर आपके सामने हाजिर हुए हैं लेकर, और इसमें देखिए कितनी बड़ी दिक्कत है। और 3 महीने के अंदर अंदर ये जोश्त के बुश कट चुके हैं। नई गाड़ी है, बताओ इसका क्या करें, ये देखिए। और गाड़ी में दोस्तों कंडक्टर साइड दबने की बहुत ज़्यादा शिकायत है, और वो मैं आपको वजह बताऊंगा। वीडियो पूरी एंड तक देखना, कमाने की वजह नहीं है, देखते रहिए वीडियो। तो ये तो तुम्हें थोड़ा बहुत झटका नहीं लगता होगा जब ये है? काफी कटा हुआ है, निशान भी आ रहे इधर भी, उधर दोनों। हाँ तो दोनों साइड के डलेंगे। कौन सा मॉडल का घोड़ा है दोस्तों? 2022 मॉडल गाड़ी है, 1 साल पुरानी गाड़ी है। इसको हम ट्रॉली को निकलवा रहे हैं, मतलब घोड़ा निकालेंगे, और इसका ट्रॉली का भी काम है, उसकी भी वीडियो आपको बहुत जल्दी मिलेगी आने वाले दिन में ही। हम करेंगे फिलहाल हम घोड़े का काम। और दोस्तों मतलब जोश का जो चकला है ना ये, पहली बात तो भारत बेंच का सामान मिल जाए वो भी बहुत बड़ी बात है। चलो आगे बताऊँगा क्या करना है क्या नहीं। ये देखिए बिल्कुल मतलब इसके अंदर फिक्स हो रखे हैं, बाकी खोलने के बाद पता लगेगा क्या पोजीशन निकलती है भारत बेंच के चकले की। ये वही तो यार, मुझे 2022, ये 2022 मॉडल ही है, 2022 ही है, 2022 की इतनी खस्ता हालत, वही भारत बेंच की है। काटो घोड़ा, काटो तुम आराम आराम से लियो, मोटरसाइकिल बचा दियो। हाँ परे कोई ले लियो हल्की, चलो बेकार हो जाए अगर किसी गाड़ी की देखभाल में रखो, ये वही हो रहा ना का। हाँ और आराम से चल, जान दे निकाल ले, हो गया काम, ले ले बस, ये ग्रीस तार लो, रेता पेता लगा के जाए। A few moments later. तो दोस्तों गाड़ी मैंने धुलवाने के लिए भेज दी थी, और गाड़ी मतलब चकला बिल्कुल साफ होके आ चुका है डीजल के साथ। तो ये देखिए दोस्तों अब धुलने के बाद बिल्कुल साफ चमक रहा है। ये कितना नीचे बैठा हुआ है दोस्तों, गुटके मतलब रबड़ के हैं वो बाहर निकल चुके हैं, और पूरा लोहे के अंदर बढ़ चुका है जो उसका जोश का चकला है। BS6 भारत वैन 55-28 के बारे में सब कुछ बताने और दिखाने से पहले, जो मेरे भाई चैनल पर पहली बार आए हैं और नए हैं, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें दबा के, और बेल आइकन को दबाना मत भूलें, क्योंकि ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच रहेगी टाइम टू टाइम। तो ठीक है दोस्तों आइए स्टार्ट करते हैं, और आपको बताता हूँ ये गाड़ी ड्राइवर साहब का कहना है कि गाड़ी दबती भी है कंडक्टर साइड में, और किस वजह से दबती है वो भी आगे वीडियो में बताता हूँ। दोस्तों जोश्त के बुश हैं और गाड़ी चलती है ओवरलोड। ड्राइवर साहब का कहना है कि 3 महीने के मतलब अंदर अंदर ये बुश इसके कट गए हैं। अब दोस्तों ओवरलोड में तो कुछ भी नहीं बचेगा, बाकी आपकी क्या राय है आप भी अपनी कमेंट बॉक्स में राय बताना। ये खोलने लग रहे हैं, भारत बेंच वैसे है ये गाड़ी, अब इसका सामान मिल जाए वही बहुत बड़ी बात है। सत श्री अकाल, नमस्ते, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग दोस्तों, वेलकम बैक टू अवर चैनल गुड नाइट ट्रक रिपेयरिंग वर्कशॉप। मैं आपका अपना अजीत सिंह। दोस्तों क्या हाल है आप सबके? आई होप बढ़िया ही होगा, मेरी तरह बढ़िया ही रहना। और दोस्तों इसका चकला हमने खोल लिया जैसा कि आप देख रहे हैं, और इसको हमने पलटी मार लिया क्योंकि इसके जो पैर हैं मतलब जहाँ पर इसके बुश लगते हैं वो हम इसके चेंज करेंगे, खोलेंगे। और दोस्तों गाड़ी के दबने की आपको वजह बताता हूँ, ये देखिए कंडक्टर साइड है इसका, मतलब अंदर से ये गुटका इतना दब चुका है कि मतलब पूरा बैठ गया, वो भी कंडक्टर साइड, ये ड्राइवर साइड है, और देखो इसके कितनी उसमें जगह है, और ये बिल्कुल नीचे बैठ चुका है कंडक्टर साइड से। तो दोस्तों 3 महीने में मतलब भारत बेंच की हालत देखिए आप, ये इन्होंने बदलवा रखे हैं, और मतलब ओवरलोड तो दोस्तों छोड़ता ही नहीं किसी चीज़ को, चाहे वो उसमें भारत बेंच है, आपकी गाड़ी कितनी मजबूत है दोनों साइड के, वो देखिए आप मतलब कट रखे हैं, बिल्कुल बाहर निकले हुए हैं कटने के बाद, और इस साइड की भी ऐसी, और जोश्त का चकला है, सामान मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है, बाकी देखते हैं। तो दोस्तों अब मैं आपको सब कुछ बताता हूँ। देखिए अब हमने चकला खोल लिया है, और अब हमें मतलब खोलने के बाद इसका स्पेयर पार्ट का सामान मतलब जो इसके बुश डलेंगे, दोस्तों इसमें गोल वाले बुश नहीं डलते, इसमें मतलब प्लेट जैसे बुश डलते हैं दो, मतलब दोनों एक साइड, दो एक साइड। और जोश्त के चकले के ओरिजिनल बुश मैंने मालूम किए हैं दोस्तों, पूरे हमारे मुजफ्फरनगर एरिया में मिले ही नहीं, लगभग ऐसे हैं 8 से 10 हज़ार रुपये के, जहाँ तक उन्होंने बताया मतलब लगभग इतने के ही हैं, और पूरी मार्केट में देख लिया कहीं मिला नहीं सामान। और दोस्तों फिर इसके अब हमने बुश मालूम करे हैं, एक दो के पास हैं, लेकिन वो दोस्तों फर्स्ट कॉपी कह सकते हैं आप, जैसे शूज़ वगैरह आते हैं हमारे फर्स्ट कॉपी, तो
तो दोस्तों हमने फिर ये अंदाजा लगाया कि चलो कोई बात नहीं, गाड़ी रुकेगी नहीं, किस्तों की गाड़ी है दोस्तों, अभी एक सवा साल ही हुआ है गाड़ी को, तो इसमें लगा देंगे। और मैंने उनको स्पेयर पार्ट वालों को कह दिया कि आप ओरिजिनल भी मंगवा लो, क्योंकि दोस्तों मार्केट में हर तरीके का ग्राहक होता है। कई लोग पैसे खर्चने से डरते हैं और कई लोग पैसे खर्चने से नहीं डरते, आज की मतलब अर्थव्यवस्था को देखते हुए हर तरीके का आदमी है। और दोस्तों ये देखिए, मतलब इसमें गैप कितना कम है कंडक्टर साइड और इसमें गैप कितना ज़्यादा है, मतलब इसकी रबड़ इतनी ख़राब नहीं हुई ड्राइवर साइड की, कंडक्टर साइड की बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुकी है। इसलिए गाड़ी ये देखिए आप, और इसमें गैप देखिए बिल्कुल कम है, ये रबड़ फटने के साथ बाहर निकल चुकी है इतनी कि पूरा अंदर बैठ चुका है ये ठिया, और उधर में अभी थोड़ी गुंजाइश है, वो ड्राइवर साइड है, और इसीलिए गाड़ी इसकी दबती है कंडक्टर साइड में, ये बता रहे थे ड्राइवर साहब। मैंने कहा कमानियों की दिक्कत नहीं है आपकी गाड़ी में, क्योंकि हर लोग यही सोचेंगे अगर ड्राइवर साहब बताएंगे कंडक्टर साइड दबती है तो हर बंदा यही सोचेगा कि कंडक्टर साइड दबती है तो कमानी में दम दे, तो कमानी की दिक्कत नहीं है दोस्तों। ये जो है इसका रबड़ का गुटका एक साइड से ज़्यादा, वो भी दिखाऊंगा आपको हालत, देखिए ये ड्राइवर साइड में तो ठीक निकला है, कोई इतना नहीं है मगर ख़राब है, उधर का दिखाता हूँ आपको अभी, आप दोस्तों उसकी हालत ज़रूर देखना। तो अब आप दोस्तों ये देखना, जो कंडक्टर साइड का हमने अब खोलना है, इसकी हालत आपको दिखाता हूँ, इसको खुल जान दो, जो दबने की शिकायत है वो ड्राइवर साहब की ख़त्म हो जाएगी इसी की वजह से, नहीं तो अगर किसी और मिस्त्री के पास कहीं और लेकर जाते ये गाड़ी, मतलब ये अपने सब्सक्राइबर ही हैं स्पेशल, मतलब रुड़की से आते हैं हमारे पास। ये देखिए दोस्तों आप पहले ड्राइवर साइड की इसकी हालत देखिए गुटकों की। अब दोस्तों देखो, जो फर्स्ट कॉपी हमने पूछी है फ़ोन पर, हम लेकर वही आएंगे क्योंकि ओरिजिनल पूरे मुजफ्फरनगर में नहीं है। अब दोस्तों टाटा की गाड़ी हो तो सामान ओरिजिनल मिल भी जाए, ये देखिए आप इसकी हालत देखिए, मतलब अगर टाटा की गाड़ी हो तो सामान मिल भी जाए, यहाँ मिल भी जाता है हर गाड़ी का, टाटा की गाड़ी का, लेकिन अब ये भारत वैन जो है, मैंने कम से कम 10 जगह फ़ोन किए, कहीं पर ओरिजिनल नहीं है, और वो भी फर्स्ट कॉपी है सबके पास। तो दोस्तों गाड़ी इससे बढ़िया गाड़ी रुक जाएगी अगर हमने ओरिजिनल के चक्कर में रह गए, किस्तों वाली गाड़ी है तो ये नहीं चाहते। लेकिन ये है कि मैंने इनको कह दिया, इनके मालिक साहब से भी बात हुई, मैंने कहा 3-4 महीने चल जाएंगे, 4-5 महीने तक, और हमने उसको स्पेयर पार्ट वाले को भी कह दिया भी आपने एक दो मतलब इनके मंगवा के रखो जो ओरिजिनल है, कोई दिक्कत नहीं, 8-10 हज़ार रुपये हैं ड्राइवर मतलब मालिक को कह के, मतलब हम करवा देंगे, मतलब आपको तो माल लाने से बात है, हम इसको लेंगे जैसा भी होगा। तो उन्होंने कहा चलो ठीक है, एक मंगवा लेते हैं एक जोड़ी। और दोस्तों देखो ये गाड़ी चलती है ओवरलोड, 70-80 टन में चलते हैं, चाहे आप इसमें ओरिजिनल डाल लो चाहे इसमें अब हम फर्स्ट कॉपी डालेंगे, लेकिन वो सिर्फ उसमें 2-4 महीने का ही फ़र्क रहेगा, 2-4 कह लो या 6 महीने 1 साल का फ़र्क कटेगा, वो भी ओरिजिनल ने दोस्तों, अब 1-1.5 साल पुरानी गाड़ी है, बताओ ये ओरिजिनल एक बार निकल चुके हैं, उसमें भी दिक्कत थी, और अब ये 3-4 महीने पहले ड्राइवर कह रहे हैं कि हमने बदलवाए हैं, और अब ये फिर मतलब बदले जा रहे हैं, तो देखो थोड़ी सी दिक्कत तो होती है, अंडरलोड चले तो इतनी कोई दिक्कत परेशानी नहीं आती, लेकिन अब ये चलते हैं 70-80 टन में तो दिक्कत आएगी, रोटी फंस रही इसमें, जो गाड़ी और गाड़ी इधर आके नहीं, ये राड़ गाड़ी राड़ रुक जा बेटे, बस लो जी, लो जी सुबह सुबह ताज़े पानी के साथ, ठीक है नहीं, हाँ सुबह खाली पेट उठते ही ले लेनी, देखिए इसकी प्लेट नीचे की कैसी है, प्लेट लूट सब सेट है, प्लेट में दिक्कत नहीं है, विपिन खाइए देखियो प्लेट देख लिए। तो दोस्तों आप इसके गुटके को देखकर अंदाज़ा लगा सकते हैं, बिल्कुल ऐसे बैठा हुआ था गुटका, और ये देखिए आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं गाड़ी को जो दबने का पॉइंट था वो यही है, और बताओ देखिए क्या धज्जियाँ उड़ रखी हैं ओवरलोड से, मतलब जोश के चकले की, भारत वैन के चकले की ऐसी तैसी हो चुकी है, आप देखिए। तो ये देखिए दोस्तों, ये हम लेकर आए हैं, मतलब दोस्तों ओरिजिनल तो महंगे भी बहुत हैं और यहाँ पर है ही नहीं, मैंने कहा ओरिजिनल भी मंगा के रखो, क्योंकि कई बार ऐसा होता है दोस्तों ग्राहक पैसे ज़्यादा लगाना चाहता है ओरिजिनल सामान, लेकिन फिर वो में है ही नहीं, उसमें क्या करें बताइए आप, लेकिन चलो अब काम नहीं रुकेगा। ये दोस्तों कॉपी हैं, लेकिन हर जगह दुकान पूछने के बाद भी ये सामान मिला है, लेकिन ये फर्स्ट कॉपी है, लेकिन दोस्तों बाकी ओवरलोड है, ओरिजिनल कुछ टाइम ज़्यादा चल जाएंगे, और लोकल हैं लोकल, लेकिन यह है कि चलो कोई बात नहीं, कॉपी हैं लोकल हैं, चल जाएगा, काम नहीं रुकेगा, गाड़ी खड़ी नहीं करनी पड़ेगी। दोस्तों इसका ये फ़ायदा होगा, मतलब हम ओरिजिनल के चक्कर में अगर बैठते गाड़ी रोकनी पड़ती 2-4 दिन के लिए, वो भी पता नहीं अवेलेबल होता ना सामान होता, अब गाड़ी रोकनी नहीं पड़ेगी, गाड़ी भी चल जाएगी, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होगी।
तो दोस्तों मैं आपको बता रहा था कि मार्केट में हर तरीके का ग्राहक होता है, लेकिन मैंने उनको स्पेयर पार्ट वालों को भी कह दिया, मैंने कहा आप ओरिजिनल मंगवा कर रखो। देखो जैसे ग्राहक आएगा आप वैसा, जैसे वो पैसे देंगे आप उनको वैसा ही सामान दे दो। अब ये मेरे से पूछ रहे थे कि अगर ओरिजिनल, मैं कहा ओरिजिनल सर हमने लिखवा दिए हैं और अब आप इसको चलाओ, दो चार महीने के अंदर अंदर मुझे आप चेक करवा देना, अगर मुझे कोई दिक्कत दिखेगी तो हफ्ते 10 दिन तक ओरिजिनल आ जाएंगे और उसके बाद अगर कोई चेंज करने की बात हुई तो हम चेंज कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो उसका भी रिजल्ट देख लेंगे हम ओवरलोड में कैसा है। लेकिन दोस्तों ओवरलोड तो खैर कुछ भी नहीं छोड़ेगा, ओवरलोड मतलब चलो टाटा है तो अलग बात है, सामान मिल जाता है उनका तो अब। लेकिन दोस्तों भारत बेंच का सामान मिलना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है, यहाँ पर थोड़ा बहुत हो तो चलो मिल जाता है और फिर मिलता भी कंपनी में, और कंपनी में भी कई चीज़ अवेलेबल नहीं मिलती। और दोस्तों आपकी क्या राय है इसमें, आप भी अपनी राय जरूर रखना, मतलब भारत बेंच जिस जिस भाई के पास है वो भी अपना कमेंट करके जरूर बताएं भी उनको किस किस चीज़ का दिक्कत का सामना करना पड़ता है। और जो स्पेयर पार्ट वाले भाई अपनी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो किस जिस किसी भाई के पास मतलब भारत बेंच से रिलेटेड मतलब जो सामान है स्पेयर पार्ट का पूरा, जो हम वीडियो मतलब देखते हैं, आप देखते हैं हमारी वीडियो को, मतलब जो भी ये गुटके वगैरह हो गए, कोई सेंटर बोल्ट है, कमानी के पट्टे हैं या कुछ भी, मतलब पूरा भारत बेंच की ट्रक से रिलेटेड जितना भी स्पेयर पार्ट है ओरिजिनल, अगर कोई भाई अपना रखता है कोई स्पेयर पार्ट वाला कहीं पर भी है भारत के हमारे नज़दीक होगा तो हम ज़रूर संपर्क करेंगे। आप हमें अपना मतलब कॉन्टैक्ट नंबर मतलब हमारे कमेंट बॉक्स में सेंड करना, जिस टाइम हम फ्री होंगे या हम उसको मैसेज को रीड करेंगे तो हम आपसे ज़रूर मतलब कॉन्टैक्ट करेंगे। जो भी भाई अपना मतलब भारत बेंच का सामान रखता है उन स्पेयर पार्ट की बात कर रहा हूँ मैं। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को, और बस एक साइड मैंने फिट कर दिया और दोस्तों पीछे ट्रॉली खड़ी है उसका भी काम हो रहा है और इसका मैं इसको फिटिंग कर रहा हूँ, और इसको पहले फिटिंग करेंगे फिर ट्रॉली का भी काम आपको बताऊँगा उसमें किस गलती की वजह से क्या क्या मतलब कई चीज़ उसमें ट्रॉली में ऐसी निकली है जो ड्राइवर साहब को पता ही नहीं, लेकिन वो सब कुछ मिलेगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तो जिन भाइयों ने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है वो जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसी मतलब वीडियो मतलब आपको रोज़ मिलती रहेंगी जो ट्रक से रिलेटेड है। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को। दोस्तों ये मतलब नए अब डले हैं और अब इनमें गैप देखिए कितना, पहले जो मतलब कटे हुए थे वो गैप यहाँ तक था, दबे हुए थे पूरे, और ये पड़े हैं जो कटे हुए थे, अभी दिखा रहा हूँ, ये देखिए इनकी हालत देखिए। 70-80 टन माल चलेगा तो ओरिजिनल तो क्या करेंगे, और ये तो है ही हैं चलो डले हुए। दोस्तों मेरे हिसाब से मतलब भारत बेंच इतनी मजबूत गाड़ी है, सिर्फ ये स्पेयर पार्ट के मामले में थोड़ा सा मतलब माइनस पॉइंट हो जाता है इस गाड़ी का, नहीं तो इस गाड़ी का कोई तोड़ नहीं है। गाड़ी दोस्तों अपने इंडिया की सब बढ़िया है, मतलब टाटा भी बढ़िया, लेलैंड भी, लेकिन ये मार गाड़ियाँ कहाँ खा जाती हैं जब इनका स्पेयर पार्ट का सामान नहीं मिलता तो लोकल सामान डालना पड़ता है, ये थोड़ी सी दिक्कत आ जाती है, नहीं तो गाड़ियाँ कहीं मार ही ना खाएं अगर ओरिजिनल स्पेयर पार्ट मिलता रहे टाइम टू टाइम। चलो खैर फिर भी हम मतलब भारत बेंच अब हमने अपने भाइयों को कहा है जो हमारी वीडियोज़ देखते हैं, चलो देखते हैं किन भाइयों का हमें कमेंट आता है, मतलब जिनकी स्पेयर पार्ट की, जिनके पास ओरिजिनल भारत बेंच का सामान है तो वो भाई हमें कमेंट करें, हम उनसे ज़रूर कॉन्टैक्ट करेंगे जैसा भी पॉसिबल होगा, और हमारे आसपास होंगे तो ज़रूर उनसे मिलेंगे भी, और ज़्यादा दूर होगा तो शायद पॉसिबल ना हो। चलो खैर कोई बात नहीं, आप कमेंट करना दोस्तों तो देखेंगे उस चीज़ को भी पॉसिबिलिटी कैसी होगी। और दोस्तों इसका हमने चकला कर दिया फिट, और बस इसको सेटिंग करके इसको करेंगे फिट, और उधर ट्रॉली का काम भी करना है हमें, और उसकी भी वीडियो आपको आने वाले दिन में बहुत जल्दी मिलेगी, एक आधे दिन के अंदर अंदर, और उसमें तो ड्राइवर साहब को जो ट्रॉली का काम दोस्तों हमने करना है ना, मतलब हमने कर दिया है, जब तक हम चकला ये फिट करें उसका काम हमने ट्रॉली का कर दिया, और ड्राइवर साहब को उस चीज़ के बारे में पता ही नहीं है, मतलब वो ट्रॉली में ये काम हमने खुद उनको देख के बताया भाई आपकी ये चीज़ ख़राब है, तो वो बताया पता लगेगा आपको मेरी अगली वीडियो में। तो आप बन रही है दोस्तों, ये तो था भारत बेंच के चकले का काम। तो ठीक है दोस्तों आप कंटिन्यू रखिए इस वीडियो को।
तो दोस्तों इसकी अब जोश्ट के चकले की चल रही है खिंचाई। अब मैं आपको दिखाता हूँ कंडेटर साइड, मतलब ये कितनी गाड़ी दबती थी और किस वजह से जो गुटके थे इतने अंदर जा चुके। देखिए ये निशान भी आ रहे हैं दोस्तों, कम से कम 2 से 3 इंच नीचे ये जोश्ट जहाँ पर लिखा हुआ है यहाँ तक ये चकला नीचे दब चुका था, क्योंकि रबड़ सारी बाहर निकल गई थी उसकी। और ये आप देख सकते हैं, मतलब इतना ज़्यादा निशान आ गया था इसके नीचे, मतलब इतनी गाड़ी दब गई थी इसकी वजह से। तो ठीक है दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो और मेरी बातें अच्छी लगी हैं तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को और बेल आइकन को दबाना मत भूलना। मेरी ट्रक से रिलेटेड हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहेगी टाइम टू टाइम। वीडियो में क्या अच्छा लगा क्या बुरा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना। तो मिलते हैं किसी अगली बढ़िया वीडियो में, तब तक के लिए टिल देन टेक केयर, गुड बाय, बाय बाय और बाय बाय। ये इनके जो चकले के बोल्ट है ना, इसके इसे खिंचवा लियो एक बार, जो हमने ये खींचे ना अब, हाँ इनको एक बार हाथ लगवा लियो। अब तो टाइट खींच गए, मतलब 2-4 चक्कर में खिंचवा लियो इनको, ठीक है नहीं।